हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल रीड लेसन नंबर थर्ड विच नेम इज डिफरेंशिएटली अबाउट पीपल। अब देखो, हम पढ़ेंगे लेसन नंबर थर्ड जिसका नाम है डिफरेंशिएटली अबाउट पीपल। इस चैप्टर में हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे है जिनके पास देखो देखने के लिए आंखें नहीं होती है, सुनने के लिए कान होते हैं लेकिन उनसे सुनाई नहीं देता है, ठीक है, आंखें होती हैं लेकिन उनसे दिखाई नहीं देता है, पैर होते हैं कटे हुए होते हैं, पैर नहीं भी होते हैं और होते भी हैं तो चला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या होते हैं, फेमस होते हैं, है ना। तो ऐसे उन लोगों के बारे में आपको इस चैप्टर में बताऊंगी कि लोग मतलब चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कोई मैटर नहीं करता उनका लुक कैसा है या फिर उनकी पर्सनैलिटी कैसी है या फिर हम ये बोल सकते हैं उनके हाथ पैर नाक कान मुंह कुछ है या नहीं है। अगर कोई इंसान ठान ले ना मुझे ये करना है तो वो कर ही सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। अब देखो, अभी मैंने जो लाइन हिंदी में इतना समझाया था उसको इंग्लिश में पढ़ के बता देती हूँ। दे कैन कॉन्कर हु बिलीव दे कैन, मतलब वो जीत सकते हैं जो अपने आप पे बिलीव करते हैं ना, और वो ये जो ये बिलीव करते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं अपने आप पे बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं जीत सकता हूँ, तो वो इंसान पक्का जीतता है ना। अब हम वैसे बात करते हैं सुधा चंद्रन, ये बहुत ही फेमस डांसर है ना, इंडिया की फेमस डांसर है, लेकिन इन्होंने अपने पैर जो इनके लेग्स होते हैं, आपको पता है पैरों के बिना नाचा नहीं जाता, लेकिन ये जो लेडी है वो इतनी टैलेंटेड है और इतनी फेमस डांसर थी ये कि इनके पैर नहीं होने के बाद भी इन्होंने आर्टिफिशियल पैर लगाए, नकली पैर, है ना, और उनके बाद भी वो इतनी फेमस हुई नाच के, मतलब डांसर थी ये एक अच्छी बहुत। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टीफन हॉकिंग की। अब ये बहुत ही फेमस वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हैं, इनको बहुत मतलब बीमारी थी, ये इलनेस की वजह से व्हील चेयर पर ही लेते रहते थे, है ना, व्हील चेयर पर ही बैठे रहते थे, लेकिन फिर भी ये मतलब इन्होंने ठान रखा था नहीं मुझे फेमस साइंटिस्ट बनना है, तो इन्होंने किया और ये फिजिकल साइंस में मतलब जो बुक्स वगैरह सेल होती है ना कि हाँ ये बुक्स लिखना राइट करना, तो ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इन्होंने बुक बहुत सारी बेस्ट सेलर बुक्स लिखी इन्होंने, है ना, और बहुत ही अच्छा अपना पद बनाया कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हमारे पोइट कवि सूरदास जी, उनकी आंखें नहीं थी लेकिन वो भी कितना अच्छा लिखते थे, है ना। इसके अलावा एक स्पेनिश पेंटर था गोया, ठीक है, वो भी मतलब पेंटर थे, वो भी देखने में चाहे मतलब वो सही नहीं हो लेकिन काम उनके इतने अच्छे होते थे कि आज वो फेमस हैं। इसके बाद में बात करती हूँ हेलन केलर, मतलब वो ऐसे थे जिनको ना ही मतलब दिखाई देता था ना सुनाई देता था, है ना, तो गूंगे बहरे थे, लेकिन वो इतनी अच्छी थी हेलन केलर कि इन्होंने क्या किया, एक फेमस राइटर बनी, जबकि उनको दिखाई नहीं देता था लेकिन फिर भी ये लिख मतलब इतना इन्होंने इतना हार्डवर्क किया, इतनी अच्छी प्रैक्टिस की कि वो बहुत ही अच्छी राइटर बनी। तो देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये किस तरीके से पॉसिबल होता है, कि ये लोग किस तरीके से पॉसिबल होते हैं। क्या होता है कि जो अंधे लोग होते हैं, है ना, या गूंगे बहरे जो भी होते हैं, डैफ होते हैं, डम्प होते हैं, है ना, तो इन लोगों के लिए, इन लोगों की एजुकेशन के लिए, है ना, एक अलग ही होता है, जैसे अलग पैटर्न होता है, तुम्हारा पैटर्न अलग है, उनका पैटर्न थोड़ा अलग होता है उनके लिए, जैसे ब्रेल स्क्रिप्ट, है ना, और इसके अलावा सिंबलिक लैंग्वेज में जैसे बहुत सारी बुक्स वगैरह आती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सिंबल्स में या इशारों में बताना, है ना, तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अब इसके बारे में तुम्हें डिटेल में तो मैं बाद में बताऊँगी, नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास लगेगी, किस तरीके से मतलब ये किस तरीके की एजुकेशन है, किस तरीके से इनको पढ़ाया जाता है, कैसे लोगों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, इसके बारे में बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी तुम क्या करोगे, ये ब्रेल स्क्रिप्ट की जो ये लैंग्वेज है देखो इस तरीके से होती है, इसमें ए बी सी डी ये सारा ए टू जेड दे रखा होता है,
इसमें ये ब्लाइंड लोगों के लिए मतलब अंधे लोगों के लिए यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, ये जो डॉट वगैरह दे रखे होते हैं ना, ये उभरे उभरे होते हैं, है ना। डिटेल में बाद में बात करते हैं। आज का जो होमवर्क बता देती हूँ आपको, ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है ना A to Z, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं। ये पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में बनानी है, मतलब A to Z आपको ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखना है, वो भी प्रॉपर तरीके से। 1, 2, 3, 4 ऐसे पूरा गचपिच मत कर देना, एक साथ में मत लिख देना, प्रॉपर तरीके से सुंदर राइटिंग में आप A to Z लिखना, वो भी ब्रेल स्क्रिप्ट में। नाउ टेक केयर एंड बाय बाय।